हुआ है? तुम लोगों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों आपस में ही झगड़ पड़े हो। भाई आपा, खुदा की कसम, ये सोनिया ना हमारे हलक की हड्डी बन गई है। अनवर भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप तहमुल से मेरी बात सुने तो एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। अल्लाह का बड़ा करम है, ये मेरा सबरी है जो रंग लाया है। देखिए अनवर भाई, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मैं सोनू और राफे को अपने साथ ले जाता हूँ, आप अमल को कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लें। एक जवान लड़की है, मैं क्यों रखूं उसको? देखिए अनवर भाई, बात समझने की कोशिश करें, मेरे वाकई में हालात अच्छे नहीं है, बस कुछ ही अरसे की बात है। राफे और सोनू की जिम्मेदारी मेरी और अमल की जिम्मेदारी आप ले लें, हम बाहर जाकर बात करें। सोनू नहीं आई ना हमसे मिलने के लिए, यही गुरूर इसको ले डूबेगा, बेड़ा गर्क होगा इसका, बेचारे अशफाक भाई। नायला गलत समझ रही हो तुम सोनू को, सोनू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो दरअसल राफी को सुला रही है इसलिए नहीं आई। ठीक, अच्छा मैं लेकर आती हूँ सोनू को। पता नहीं क्या बातें करने गए हैं बाहर, सुनगुन लेके आऊं भाई। लेकिन मामा, अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? तनवीर ने बताया नहीं कि सदाकत तुम लोगों से मिलने आया है, और नायला भी तरह तरह की बातें कर रही है सदाकत के साथ। चलो आओ, आके मिल लो। पप्पू आपने ही बुलवाया होगा ना उन्हें। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का कि हम अपनों पर ही बोझ बन गए। शुरू हो गई, चुप करो। सही तो कह रही है, क्या गलत कहा इसने? अच्छा हुआ कि आपको ये बात रियलाइज हो गई। तब जाइए, जाकर मामू को भी ये एहसास दिलाइए कि जिस अशफाक के आगे पीछे घूमकर वो नोट निकलवाते थे, हम उसी अशफाक की फैमिली हैं। बस भी कर दो, बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करते। अनवार साहब आप सबको बुला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नायला और सदाकत जाने के लिए कह रहे होंगे। शुक्र। नहीं सोना बाजी, सदाकत भाई अभी नहीं जा रहे। क्या मतलब? अरे रुबाब, कहाँ रह गई हो? मेरा ख्याल है कि ये बच्चों से बात करने आया, और तुमसे भी कोई जरूरी बात ही होगी ना। चलकर देखते हैं ना कि आखिर मामला क्या है। आ जाओ जी। अब आप अब चाहिए, हम आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। चल तुम जाके किचन देखो। मामा क्या हुआ? सुनो, बात यह है कि मैं जानता हूँ अशफाक भाई के जाने के बाद उसूलन तुम लोगों को मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए था, लेकिन हालात और दूसरी चीज़ों की मजबूरी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है सदाकर। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ ताकि साथ बैठकर गिले और शिकवे दूर कर लें। और हम लोगों ने एक फैसला किया। कैसा फैसला? फैसला ये है कि तुम और राफे मेरे साथ मेरे घर चलोगे, और अमल जो है वो यहीं अपनी फुप्पो के साथ रही।
ये क्या कह रहे हो सदाकत? मैं अपनी अमल के बगैर यहां से कैसे जा सकती हूं? सदाकत, मेरे भाई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? देखो, अगर तुमने हमें लेकर ही जाना है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ जाएंगे, इन दोनों को ले चलो। अरे भाई, सदाकत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हो काम का? नहीं जाना तो ना जाओ हमारे साथ। कौन सा हम जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ? देखो सोनिया, जिस फैसले पर हम पहुंचे हैं उसी में सबकी बेहतरी है। ना तो सदाकत अपने खानदान को छोड़कर किसी और की किफालत कर सकता है और ना ही मेरे हालात इस वक्त इजाजत देते हैं कि मैं ये करूं। सदाकत, तुम्हारी बहन अब तुम पर बोझ बन गई है क्या? एक मां को उसके बच्चों से अलग कर रहे हो। इतने बेहिस कब से बन गए तुम? मैं सोनू को समझाती हूँ। सोनू आओ, हम बाहर चल के बात करते हैं। पापा, एक माँ से उसके बच्चों को अलग करने में उसे क्या समझाना है? समझना तो इन्हें चाहिए। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरे साथ आओ, बात करते हैं। आओ शाबाश। लगता है सारी बात सोनिया को समझ नहीं आ रही। अच्छी तरह से समझा देना इसे। चलो आओ। देखा, ये सब लोग मतलबी हैं। मैंने कहा था ना, कोई हमारा नहीं है। ये सब मिलकर हम एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। मामा, मैं आपके और आफे के बगैर नहीं रह पाऊंगी। अमल बेटा, मैं भी तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आपा, आपको अपने भाई इश्फाक की कसम, आप सदाकत और अनवार भाई को समझाए ना। सोनू, ये वक्त जज्बात में आने का नहीं है। अकल से काम लो। देखो, आज तुम दोनों को लेने आया है ना सदाकत, एक दिन अमल को भी अपने साथ ले जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा पप्पो। मैं जानती हूँ, वो मानी बहुत चाहते थे, वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि मुझे सजा दे सके। हो सकता है कि ये सब कुछ सदाकत नायला की वजह से कर रहा हो, क्योंकि नायला तुम्हें पसंद नहीं करती ना। लेकिन सदाकत ना बुरा इंसान नहीं है। तुम देख लेना, एक दिन वो अपने घर में तुम्हारी जगह बना लेगा। मामा प्लीज, आप कहीं मत जाइएगा। देखिएगा, मैं कोई किराए का मकान ढूंढ लूंगी। लेकिन देखिए, थोड़ा सा सब्र करें, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। कैसी बातें कर रही हो बेटा? किराए का घर लेना क्या बहुत आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो मैं कब का लेकर दे देती तुम लोगों को। एडवांस देना होता है, फिर हर महीने का किराया, सब कुछ इसी में दे दोगे तो खाओगे कहाँ से? अब जो फैसला हुआ है ना, उसको समझो। नहीं आपा, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और इश्फाक के जाने के बाद मेरे पास बचा ही क्या है इनके सिवा? मैं इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकूंगी। अनवार ना तुम लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बहुत जिद्दी इंसान है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो जबान के सख्त हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। अभी जो फैसला हुआ है ना, तुम उसे मान लो, यही तुम लोगों के हक में बेहतर है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि अमल को इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी।
ये तो बेटी है मेरी, मेरे भाई की निशानी। अब देखना चंद दिनों में ना कोई बेहतरी निकल आएगी। सब आप ही को हमसे दूर क्यों कर रहे हैं मम्मी? आपी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब साथ रहेंगे। बेटा, आपी का ख्याल तो आपकी फुप्पो रखेगी ना, आपने अपनी मम्मा का ख्याल रखना है। अच्छा, हर वक्त इनके साथ रहना है। देखो जो फैसला हो गया है ना, सोनो उसे मान लो, इसी में सबकी बेहतरी है। फुप्पो आप जाइए और जाकर उनसे कह दीजिए अगर हम किसी पर बोझ बन रहे हैं तो हम कहीं चले जाएंगे लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। बेवकूफी की बात मत करो बेटा, कहीं कहीं जाकर इत्मीनान से बैठकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करो कि करना क्या है। अगर जल्दबाजी में तुम लोग फैसला कर लोगे तो, और अगर तुम लोग सोच रहे हो शेल्टर होम जाने का, तो वहां क्या गारंटी है तुम लोगों की सिक्योरिटी की? मुझे बताओ, कम से कम अपने घर में अपनों के बीच तुम लोग महफूज तो हो ना। सोनू, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, पहले दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाया कि शौहर के मरने के बाद भाई ने पूछा तक नहीं, और आज मैं आ गया हूं तो ये रोना पीटना मचाया बात में। कि तुम मुझे लेने आए हो, कि मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग करने आए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? राफे और अमन मेरी आंखों का नूर है, इनके बगैर मैं नहीं जी सकती। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो यार, मेरे कुछ माली मामलात हैं, नायला की प्रेगनेंसी है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। 4-5 महीने गुजर जाने दो, मैं खुद लेकर आऊंगा अमन। बस कीजिए मामू, वक्त और हालात ने सबके चेहरों से नकाब हटा दी है, सबकी असलियत सामने आ गई है। अब किसी का कोई आसरा, कोई छोटी तसल्ली मुझ पर असर नहीं करेगी। अगर आप हमारे पैसे हमें वापस कर देते तो हम कहीं में जाकर रह लेते, लेकिन सुन रही हो उसको? अब जबान देख रही हो उसकी तुम? ये वही अमल है जिसकी परवरिश हमारे अशफाक भाई ने की थी। किस कदर खुदगर्ज और बदतमीज हो गई है ये। बेटा, अगर यही हाल रहा ना आपका तो आप चुप कर जाओ, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? रात बहुत हो गई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। और हाँ, अपना और राफे का सामान पैक करना खाली, ठीक है? मामा, प्लीज नहीं, इस तरह मत जाएं। मैं नहीं रह पाऊंगी आप लोगों के बगैर, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते मामा, प्लीज। बेटा, ये रोना धोना बंद करो, मुझे तो लगता है तुम तीनों की इसी में कोई बेहतरी है। चलो शाबाश, आ जाओ जल्दी से। हाँ मामा, प्लीज मुझे अपने साथ लेके जाएगा, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगी मामा, प्लीज मुझे साथ लेके जाए, नहीं रह पाऊंगी मामा, प्लीज। तू ही मेरा है गवाह मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे, असल अमल से उसे कुछ बात करनी थी, आ रही है अभी। तुम बैठो। अब
हमारे मामू इंतजार कर रहे हैं, मैं राफे को लेके जा रही हूँ। मत चाहिए मुझे छोड़ के, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर, प्लीज मत छोड़ के जाए। भला भी माँ अपने बच्चों के बगैर रह सकती है? और मामू कह तो रहे हैं एक दो मामे आकर तुम्हें भी ले जाएंगे। मैं रोज मिलने आऊंगी तुम्हें, ये दो माह ऐसे गुजरेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। झूठ बोलते हैं सब मामा, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे लोग हैं ये। चुप कर जाओ, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। अमन खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो, यहाँ पर कोई हमारे आस पूछने वाला नहीं है। दूर रहकर एक दूसरे की ढारस तो बन सकते हैं ना हम, और कहाँ ना आऊंगी तुम्हें मिलने, वादा है मेरा तुमसे। नहीं आएंगे, मैं नहीं आएगा। चुप हो जाओ। अच्छा रोना बंद करो, पप्पू को तंग मत करना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अपनी शहजादी को रोज मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। अब चुप हो जाओ, देर हो रही है मुझे। कैसा खेल ये नसीबा तूने मेरे साथ खेला, अपनों से भरा जहां में मुझको कर दिया अकेला, दिल में रह गई है दिल की सारी चाहते अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये ख्याल तो आया, कब से तुम्हारा भाई बैग गाड़ी में रखे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पापा मेरी अमल आपके पास अमानत है, उसका बहुत ख्याल रखिए। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो सोनू, अमल मेरी बेटी है, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हम आपके साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? अरे राफे बेटा, अमल हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी रह रही है, और कुछ अरसे के बाद हम उसे ले आएंगे यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ रह रही है, आते जाते रहेंगे, ठीक है? अभी तुम्हारी आंटी की तबीयत ज्यादा खराब है और लेट भी हो गया है, चले भाई। तुम दोनों बहन भाइयों का मेलो ड्रामा हो गया हो तो चले, नोमी घर पे अकेला है, आराम से तुम दोनों की दुखी दास्तान लिखूंगी मैं।
मामा, I miss you. राफे, I miss you मेरे भाई. अमल, अमल, क्या हो रहा है बेटा? रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरा खून हो. मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल से लगा के रखूंगी. खुद को अकेला कभी मत समझना. अच्छा, ठीक है, सोनिया ले जाएगी कमरे में. तो मुझे जूस दे दो, बहुत दर्द हो रहा है. हैं? दर्द हो रहा है? हाँ. तो भाई तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कमरे में जाओ, आराम करो, थक गई होगी. मैंने सोचा सोनिया और राफे को उनका कमरा दिखा दूँ, उसके बाद जाके आराम करूंगी. नहीं नहीं नायला, इट्स ओके, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे. तुम जाके रेस्ट करो. हाँ, तो वो बाहर वाला कमरा है ना, उसमें सामान रख लेना. बाहर वाला कमरा? मैं तो हमेशा अम्मी अबू के कमरे में रहती हूँ. अरे वो सोनिया, बात यह है कि वो वाला कमरा जो है वो हमने नोमी का गेम रूम बना दिया है. गेम रूम? क्यों, प्रॉब्लम है कोई? नहीं नहीं, अलग जी, क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, हम बाहर वाले कमरे में चले जाते हैं. नोमी सो गया? जी बीबी जी, नोमी मामा बहुत गुस्से में थे, आप दोनों उनको अकेला छोड़कर जो चले गए थे. देखा सदाकत, हम दोनों उसे छोड़ के अनवार भाई के यहाँ चले गए. खफा होके सो गया, अब सुबह उठ के अच्छी तरह मना लीजिएगा उसे. अरे तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सुबह होगी तो मैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह मना लूंगा. तुम कमरे में जाके आराम, ठीक है? अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ. अच्छी तरह जानती हूँ, गेम खेलने जा रहे होंगे आप भी. दुनिया में कोई नहीं है, अमर बिल्कुल अकेली हो गई है. साफ़ है, कोई भी तो नहीं है मेरे पास. शाज़िम से शादी करना चाहती थी, लेकिन शाज़िम के लिए तो अमल एक मजाक थी. इसने तो कभी भी अमल को चाहा ही नहीं. अमल, तुम वाकई बहुत मासूम हो. ये सब लोग सिर्फ तुम्हारी दौलत स्टेटस से प्यार करते थे. आज इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस हाल में हो, लेकिन मुझे पड़ता है. तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी तकलीफ से
मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा अमर, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप क्यों किचन में आ गई? मुझे बुला लिया होता। ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। महंगी गैस हो गई है, एहसास है तुझे? ये ले 20,000 रुपए, और भी दूंगी। पर बाजी, इतने पैसे आप मुझे दे क्यों रही हैं? पहली बस पकड़ और अपने गांव जा, 3 महीने वहीं पे गुजार, जब तक मैं वापस ना बुलाऊं नहीं आना, बाकी तुझे हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। पर बाजी, आप मुझे भेज क्यों रही हैं? जितना कह रही हूं ना, सिर्फ कान खोल के उतना सुन, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, याद से सोनिया को कह के जाना कि तेरी माँ की हालत बिगड़ गई, इसलिए अचानक तुझे गांव जाना पड़ गया। समझ आ रहा है जो कह रही हूं मैं? जी बाजी, बिल्कुल समझ गई। तो जैसा कहा है वैसे ही करना। ठीक है बाजी। अब नाश्ता बना, कभी पैकिंग करना शुरू हो जाओ। क्या बाजी? अब मजा आएगा मिसेस सोनिया अशफाक, 3 महीने को इस घर में तुम्हारे लिए 3,000 साल बना दूंगी। तुम्हारी इस अकड़ और गुरूर को खाक में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी नायला नहीं, अब महारानी बनेगी हमारे घर की नौकरानी। अमन, मेरी बच्ची कैसी हो? मामा, मैं आपके और राफे के बिना कैसी हो सकती हूँ? अमल, रो मत मेरा बेटा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, बहुत जल्द तुम्हारी मामा तुम्हें आकर वहां से ले जाएंगी। और अगर मैं तब तक रो रो के आपको याद कर करके मर गई तो तब क्या करेंगी मामा? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत किया करो। मेरी तो दुआ है मेरी शहजादी हजारों बरस जिए। मामा, राफे कहाँ है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। I miss you too. राफे सो रहा है पास, उठेगा तो बात करवाऊंगी। चले ठीक है, ख्याल रखिएगा। मामा की एक बात मानोगी? ठीक है मामा। आज के बाद यू रोना मत, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। अपनी मामा की खातिर, अपने भाई की खातिर, आज के बाद तुम यू नहीं रहोगी, ठीक है? कि मामा, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकती। आई प्रॉमिस, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। मैं बहुत ख्याल रखूंगी, ठीक है? फोन रख रही हूँ। आप ही मामा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उठ जाओ प्लीज, नोमी के स्कूल और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। नहीं यार, खुद मैनेज करना, बहुत नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? फरखंदा दे देगी, अब जाएं। ओके ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फरखंदा से कहता हूँ तुम्हारे लिए फ्रेश जूस ले आए, ठीक है?
राफिस राफिस कंदा कहां से आई वो तो जा चुकी आ जाओ भाई जल्दी जल्दी परखंदा जल्दी से नाश्ता ले आओ हम लेट हो रहे हैं सब रख लिया पैक्ड लाओ अरे सोनू फरखंदा कहाँ है तुमने क्यों नाश्ता बनाया सदाकत फरखंदा सुबह मेरे पास आई थी शायद उसकी अम्मी की तबीयत सही नहीं है बहुत परेशान थी रो रही थी इसलिए मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम चली जाओ ओहो तबीयत तो नायला की भी ठीक नहीं है सो रही है वो हाँ अगर तुम नाश्ता नहीं बनाती तो मैं और नोमी तो बहुत लेट हो जाते अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मैं हूँ ना तो मैं लेट नहीं होने दूंगी कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो मैं ले आती हूँ नहीं ठीक है अस्सलाम वालेकुम मामू वालेकुम सलाम बेटा आओ नाश्ता करो आ जाओ बैठो बैठो ना सोनू बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये फरखंदा की माँ को किसने बीमार किया है नायला भी ना अरे हाँ सुनो सुनो नायला जो है उसे मालूम नहीं है कि फरखंदा जो है वो गांव चली गई जब वो उठे तो बता देना उसे और हाँ शूज दे देना उसे बेहतर हो जाएगी ठीक है सदाकत तुम बिल्कुल परेशान मत हो मैं देख लूंगी मैं उसे जूस भी दे दूंगी वैसे कब तक उठेगी वो यार उसका जब जी चाहता है उठ जाती है बस तुम जरा उस पर नजर रखना ऐसी हालत में खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल ही होता है चलो नोमी चलते हैं ओके खुदा हाफिज राफे बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो क्यों इतने अपसेट हो रात को ठीक से सोए भी नहीं क्या हुआ है मामा क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा ऐसा नहीं है बेटा आप बिल्कुल स्कूल जाएंगे कि मामा है ना क्यों परेशान होते हैं मैं सब देख लूंगी सब ठीक हो जाएगा मेरा राफे जरूर स्कूल जाएगा प्रॉमिस चलो ठीक से नाश्ता करो थैंक यू दो तीन बार पहले भी आई हूँ देख रही थी कि तुम कब उठती हो क्यों तुम क्यों आई फरखंदा कहाँ है फरखंदा की अम्मी बीमार है वो गांव चली गई है वो इंतजार करती रही फिर मुझे बताकर चली गई कह रही थी कि अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आ जाऊंगी वापस एक नई मुसीबत अब फरखंदा चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा तो जानती हो इस हालत में मुझसे इतना काम होगा ही नहीं परेशान मत हो कोई दूसरी ढूंढ लेंगे कहां से देख लेंगे सोनिया इतना आसान है क्या
उसकी माँ इतनी काबिले भरोसा थी, वो गई तो फरफंदा को रखा। अब मुझे परेशानी हो रही है कि सारा काम करेगा कौन। परेशान मत हो, मिलजुल के कर लेंगे ना हम। हैं? अच्छा सोनिया, नाश्ता दे दो, बहुत चक्कर आ रहे हैं, उठा भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अच्छा सुनो, गर्मा गर्म आलू के पराठों के साथ रायता, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, बड़ा दिल चाह रहा है। नायला, तुम्हारा जो भी खाने को दिल चाहे ना तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मैं अभी लाई। इस घर से तुझे ऐसे भगाऊंगी, जंगली बिल्ली की तरह तू अपने भाई के घर का रास्ता भी भूल जाएगी। मिसेस सोनिया अशफाक, बहुत लाडली थी ना तुम अपने शोहर की, तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन आज भी याद है मुझे। अब देखना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारा।